तो आइए आज आप सबको लेकर चलते हैं नुहारा फैमिली के घर पे। आप सबका स्वागत है। ये बागीचा बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा भी नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है। लोन भी बहुत सारा बाकी है और घर की एंट्रेंस तो बहुत ही बड़ी है। नहीं, छोटी सी है। और ये है ड्राइंग रूम, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा रोशनी है। हमें अपने घर में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट चाहिए थी। और घर के पीछे है इनका बेड डॉग और उस प्यारे से डॉगी का घर। वैसे हम इसे किसी भी कमरे से देख सकते हैं। इसी बात से पता चलता है कि आपका परिवार अपने पेट का कितना ख्याल रखता है। बहुत ही खूब। अरे रहने दीजिए, इतना भी नहीं है। और मैं हूँ इनके शानदार बेडरूम में। ये कमरा बहुत बड़ा है और ये है इनका खूबसूरत डबल बेड। अरे नहीं, इतना अच्छा भी नहीं है। और ये है बच्चों का कमरा यानी शिनचैन और हिमावारी का। यहाँ तो चारों तरफ खिलौने ही खिलौने हैं। क्या तुम्हें अपना कमरा पसंद है? हाँ ठीक है, पर जब लोन के बारे में सोचता हूँ तो रात को नींद नहीं आती है। अभी हम खड़े हैं इस घर के मॉड्यूलर किचन के सामने। जी हाँ। वाह, यहाँ की अप्लायंसेस तो बहुत ही मॉडर्न है। हाँ, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप चलती है, बस आपको एक बटन दबाना होता है। तो ये था मिस्टर सुजुकी का घर। मिलेंगे आपसे अगली बार इसी चैनल पर इसी वक्त। तो ये सपना था। हमारे सपनों का घर। पता नहीं ये हमेशा टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर को एक साथ डिस्काउंट पर क्यों बेचते हैं। इन्हें एक बार में एक ही चीज सेल पर लगानी चाहिए। पर कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। अरे नहीं, ध्यान से। मुझे माफ कर दीजिए, आपका शुक्रिया। ये बताइए, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। सॉरी, आपको तकलीफ हो रही है। ये सामान तो मैंने आपसे इसलिए लिया कहीं आप बच्ची को लेकर दोबारा ना गिर जाएं। ये बताइए कि आपका घर पास में ही है? हाँ, यहाँ से राइट मुड़कर। अरे नहीं, ये है मेरा घर। अरे ये घर तो बहुत ही डरावना है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है, मैं चली जाऊंगी। आप सामान दे दीजिए, लाइए। थैंक यू। लेकिन बड़ी अजीब बात है, इधर तो नहीं आ रहा। वो घर तो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। मैं थक गई। काश हमारे पास कम से कम रहने के लिए एक अच्छा घर होता तो कितना अच्छा होता। मुझे आलीशान घर बहुत पसंद है। वाह, कितना आलीशान महल है। सच में? पर ये तो हमने बस किराए पर लिया है, जब तक हमारा अपना घर नहीं बन जाता। अगर आप चाहें तो मेरे घर आकर चाय पी सकते हैं। आप तकलीफ क्यों ले रही हैं? हाँ, मुझे खुशी होगी। अब काफी हल्का लग रहा है, चलो अब कुछ खा लिया जाए। अब तो हमें रहने के लिए एक नया और बढ़िया घर ढूंढना ही होगा। तो आज हम जाने वाले हैं मिसेस सातो के घर और हमें ये बताएंगी कि छोटे से घर को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हम बताने वाले हैं बहुत ही जरूरी बात। हाँ, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगी अपना घर। अरे ये घर तो बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा दिखता है। अरे वाह, आपने एंट्रेंस की दीवार को ऐसा इस्तेमाल किया है कि काफी जगह बन गई है, कमाल है। ये तो अच्छा आइडिया है। हमने लिविंग और डाइनिंग रूम के बीच की दीवार को हटा दिया। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ा है। ये क्रॉकरी रैक तो बहुत ही सुंदर है, क्या आपने इसे भी बनवाया है? हाँ, यहाँ तो बहुत बड़ा क्रॉकरी रैक है। अच्छा, इसे भी उन्होंने बनवाया होगा। इसमें तो बहुत खर्चा हुआ होगा, क्यों है ना? नहीं, क्योंकि हमने डिजाइन फेज से बिल्ड फेज तक पूरा पैकेज लिया था, इसीलिए इसमें ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और पता है हैरी, अलमारी इतनी सुंदर थी, बिल्कुल ऐसी। मेरी बात सुन रहे हैं? तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम इस छोटे से घर में एक और अलमारी ले आएं? एक और अलमारी ले आएं? कोई फायदा नहीं, मम तो बहुत जल्दी उसे भी भर देंगी। देखो मिच्छी, हम कोई नई अलमारी नहीं लेने वाले हैं। लगता है आप दोनों के कोई सपने नहीं है। क्या आपको साफ सुथरा कमरा और चमकता हुआ फर्श अच्छा नहीं लगता? मुझे तो लगता है। क्या, ये सब बेकार की बातें होती हैं। क्या तुम उस चमकते और साफ सुथरे फर्श पर खाना खा पाओगी? क्या अभी खाने की बात करना जरूरी था? अब तो तुम ये भी कहोगी कि हमारे पास एक बड़ा सा कमरा हो जिसमें के एक कोने से दूसरे कोने तक वुडन फ्लोरिंग की गई हो। क्यों, वुडन फ्लोरिंग में क्या खराबी है?
बेकार की बातें मत करो, ये सब सपनों की बातें होती हैं। मैं भी सोचता हूँ कि हमारे बैकयार्ड में खूब घास हो और मैं वहाँ अपने गोल्फ की प्रैक्टिस किया करूँ हर संडे को मजे से। लेकिन हैरी, इस इलाके में ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक सपना है। हैरी सोच कर तो देखिए, ये हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, तुम ही बता दो जरा। मुझे लगता है कि एक ड्राइंग बनाने से ये काम आसान हो सकता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये यहाँ पर एंट्रेंस है जो काफी चौड़ी है। लेकिन हैरी, एंट्रेंस थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ना। चलो ठीक है, इसे थोड़ा और छोड़ा कर देते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं चाहती हूँ किचन और लिविंग रूम थोड़े बड़े हों। पर ऐसा कैसे हो सकता है, इन दोनों में से एक तो छोटा होगा ही। आप ठीक कह रहे हैं। स्कूल से आकर मैं बहुत थक जाता हूँ, मुझे भी आराम करने के लिए एक बड़ा सा कमरा चाहिए। उसकी ड्राइंग। चुप रहो, तुम तो सारे घर में आराम ही करते रहते हो। चलो अब घर के अंदर चीजें रखने की जगह देखते हैं। हाँ हाँ, और एक क्रॉकरी रैक भी। कुछ इस तरह का। ये क्या है? अरे ये कमरे में सामान रखने की जगह है। लेकिन इससे कमरा छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर चीजें रखने की इतनी जगह नहीं होगी तो तुम कमरे को बहुत जल्दी भर दोगी ना। आप ही ना हैरी। क्यों ना पूरे सेकंड फ्लोर को स्टोर रूम बना दे। बिल्कुल नहीं, चीजें लेने के लिए हर बार वहाँ जाना पड़ेगा। और मेरे कमरे के बारे में क्या ख्याल है? चलो अभी लिविंग रूम को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। लेकिन उससे मेरा किचन छोटा हो जाएगा ना। शायद ये ऐसा दिखेगा। मुझे लगता है कि ये डिजाइन वाकई बढ़िया रहेगा, क्या कहती हो तुम इसी? लेकिन इसमें ना तो चीजें रखने की जगह है ना ही क्रॉकरी रैक। वैसे एक बात बोलूं, मुझे तो ये घर अपने पुराने घर जैसा लग रहा है। शिनचैन, तुमने आज पहली बार बिल्कुल ठीक बात कही है। कैरन की कोई कदर ही नहीं है। समझ में नहीं आता ये दूध और सब्जियाँ एक साथ सेल पर क्यों लगाते हैं। हाँ, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है कि हमने सारा सामान एक साथ ले लिया। माफ कर दीजिए, आपका शुक्रिया। अरे आप तो वही हैं। और आप भी। अच्छा, तो आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं? हाँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। क्या आप कुछ खरीदना चाहेंगी? अरे कितना सुंदर क्रॉकरी सेट है, लेकिन इस पर डिस्काउंट नहीं है, है ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझी। ठीक है ठीक है, दरअसल ये मेरे बजट से काफी ज्यादा है, मैं फिर आऊँगी। संभल कर जाइएगा। लेकिन क्रॉकरी रखने के लिए तो पहले क्रॉकरी रैक की जरूरत होगी ना, पहले वही खरीदना चाहिए। वाह, कितना शानदार क्रॉकरी रैक है। इतना भी नहीं है। ये है नुहारा फैमिली जिसके पास है बेहतरीन क्रॉकरी रैक। लेकिन अगर हमारे पास रैक होगा पर क्रॉकरी नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। क्रॉकरी सेट मुझे बुला रहा है। अभी पैसे नहीं है हमारे पास, और अभी तो नया घर भी नहीं बना है। लेकिन हैरी, मैं इसे नहीं खरीदती तो ये बिक जाता ना। पर ये सब आप रखेंगी कहाँ मैम? अभी तो इसे अलमारी में रख दूंगी। नए घर में हमें ज्यादा अलमारियां चाहिए होंगी डैड। चुप रहो शिनचैन,